अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नीलोफर सरवर अंसारी और आज हम बना रहे हैं मुंबई के बावर्ची का मटन पुलाव, जो बहुत ही मज़ेदार बनता है और बहुत ही आसानी के साथ बन जाता है। इसकी रेसिपी अब तक यूट्यूब पे किसी ने अपलोड नहीं किया है, हमने अपलोड की है। तो इसकी जो चिकन पुलाव की रेसिपी है उसे भी हमने अपलोड कर दिया और मटन की भी, तो ये ओरिजिनल रेसिपी है। आप इसे वैसे ही बनाएं जैसा हमने आपको बताया है। इसमें जो मसाले हमने इस्तेमाल किए हैं, ना उससे ज़्यादा आप मसाले लें ना कम लें, बिल्कुल आप इसी तरह बनाएं जिस तरह हम आपको बता रहे हैं, तो ये परफेक्ट बनेगी। तो चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि इसमें कौन से गर्म मसाले आपको लेने हैं। आप 1 टेबल स्पून ज़ीरा ले लें और 1 स्टिक आपको करी पत्ते की लेनी है, 4 आपको तेज पत्ते लेने हैं, 3 काली इलायची लेनी है, 2 इंच आपको दालचीनी का टुकड़ा लेना है, 6 आपको लौंगे लेनी है, 4 हरी इलायची लेनी है और 8 काली मिर्ची, और इसे आप साइड में रख दें। उसके साथ आपको प्याज लेनी है, तो प्याज आपको सिर्फ 3 मीडियम साइज़ की लेनी है। और इसके साथ ही आप 4 आलू ले लें, 4 से 5 आलू ले सकते हैं आप। तो 1 किलो मटन लेना है आपको, तो मटन आप अपने हिसाब से ले लें और उसके अंदर आपको 1 मीडियम साइज़ की प्याज ऐड कर देनी है और 2 ग्लास पानी ऐड कर दिया है, नमक ऐड कर दिया है स्वाद अनुसार। इसमें आपको हल्दी ऐड नहीं करना है और इसे आपको गलाने के लिए रख देना है। मटन को जो है ना बहुत ज़्यादा नहीं गलाना, ऐसा ना हो कि वो इतना ज़्यादा गल जाए कि मसाला भूनने के बाद वो बिल्कुल टूट जाए, तो इसका ध्यान रखते हुए इसे गलाएँ। अब हम चेक कर लेंगे कि जो गोश्त है वो गला या नहीं। हम आपको फिर से याद दिला दें कि हमने इसमें हल्दी ऐड नहीं की थी, सिर्फ प्याज और इसमें नमक ऐड किया था, वो भी 1 मीडियम साइज़ की प्याज ऐड की थी। और जब गोश्त को आप हाथ से इस तरह से तोड़ोगे तो वो 2 टुकड़े हो जाएगा, तो समझ लें कि इतना ही हमें गला हुआ चाहिए, बहुत ज़्यादा गला हुआ बिल्कुल नहीं आपने लेना है। अब हमने एक मोटी वाली पतीली ली है, क्योंकि पुलाव और बिरयानी के लिए आप ऐसे ही पतीली इस्तेमाल करें। इसमें हमने 2 कप के लगभग तेल ऐड कर दिया है और जो हमने आपको गरम मसाले बताए थे ना उसे ऐड कर दें और उसके बाद इसमें प्याज ऐड कर दें। तो प्याज भी आपको ज़्यादा नहीं लेना है, हमने आपको पहले भी बताया कि हमने 1 किलो से ज़्यादा की बनाई थी इसलिए आपको ज़्यादा नज़र आएगा, तो इसमें आपको सिर्फ 3 मीडियम साइज़ की प्याज ऐड करनी है। और अब हमें इसे इतनी देर तक फ्राई करना है कि हल्का लाइट ब्राउन हो जाए। अब हमने और भी मसाले लेने हैं, जिसके अंदर आपको धनिया लेना है 2.5 टेबल स्पून और सौंफ लेनी है 2.5 टेबल स्पून, तो कुल मिला के 5 टेबल स्पून हो जाएगा ये। और इसे हमें भून लेना है, याद रखें कि इसे भून कर ही पीसें। तो जो सौंफ और जो धनिया है वो अच्छी तरह से भून चुका है, अब हम इसे पीस लेंगे। हमने इसे पीस लिया है और इसे हम साइड में रख देंगे। जब प्याज हल्की हल्की सुनहरी होना शुरू हो जाए तो इसमें आप अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दें, 3 टेबल स्पून अदरक और 3 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट ऐड करें और इसे अच्छी तरह से भूनें, यानी इन तीनों मसालों को। अब इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड कर देंगे, हमने 15 हरी मिर्चों का पेस्ट बनाया है। आप अगर कम तीखा खाते हैं तो आप 10 हरी मिर्चों का पेस्ट बनाएं और अगर स्पाइसी खाते हैं तो आप अपने हिसाब से मिर्चें ले लें। और अब इस मसाले को बहुत अच्छी तरह से भूनना है। अब जो मसाला है वह अच्छी तरह से भून चुका है, इस वक्त हमें जो हमने गोश्त गला के रखा है उसे ऐड कर देना है और जो गोश्त में पानी है उसे आपको साइड में रखना है। अब इस सारे मसालों को हमें बहुत अच्छी तरह से भूनना है, कम से कम 3 से 4 मिनट आपको इसे तेज़ आंच पर भूनना है। अगर पतीले में मसाला लगने लगे तो थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हमने दही ऐड कर देना है, 150 ग्राम ही दही ऐड करें। जो भी हम आपको मसाले बता रहे हैं ना उससे ज़्यादा मसाले बिल्कुल भी ऐड ना करें,
जैसा कि हमने आपको पहले बताया है कि जब आप दही ऐड करें तो उसे फेंट कर ऐड करें और उसके बाद चम्मच चलाते रहें। जब ग्रेवी बॉईल होने लगे तो ही आप चम्मच हटा सकते हैं, वरना जो दही है वो फट सकता है। तो अगर आप इस तरह से दही ऐड करने के बाद चम्मच चलाते रहेंगे तो दही फटेगा नहीं, तो बस इसी वक्त आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब इसमें जो साबित धनिया और सौंफ को हमने भुना था ना, उसका पाउडर बना लिया था, उसे ऐड कर दिया है। और इसके साथ ही आधा टेबलस्पून हमें चाट मसाला ऐड कर देना है। आधे टेबलस्पून से ज़्यादा ऐड ना करें, जितने मसाले बताए गए हैं उतने ही ऐड करें। अब इसमें 1 टेबलस्पून बावर्ची का गरम मसाला पाउडर ऐड कर दें, जिसकी रेसिपी हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। और उसके बाद हम इसमें 2 टेबलस्पून कसूरी मेथी ऐड कर देंगे और इन मसालों को कुछ 30 सेकेंड तक मिक्स करके भून लें। अब इसमें हमने आलू ऐड करने हैं। हमने नमक के पानी में भिगो के रखे थे आलू को, ताकि जो आलू है वो काले ना पड़े। अब इसमें ऐड कर दें और जो मटन का पानी हमने बचा कर रखा था ना, उसे ऐड कर दें इस वक्त। इसमें कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर दिया है हमने 1/2 कप। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब हमें इसे इतनी देर भूनना है जब तक कि जो ग्रेवी है वो ड्राई हो जाए। तो अब देखें कि मसाला बहुत अच्छी तरह से भून चुका है और जो ग्रेवी है वो भी ड्राई हो चुकी है। अब इस वक्त हमें इसमें चावलों को धो के ऐड कर देना है। इसे बासमती चावल में बनाते हैं वो लोग, यानी बावर्ची, लेकिन हमने कोलम में बनाया है। आप चाहें तो बासमती में भी बना सकते हैं, पर उसके हिसाब से आपको पानी ऐड करना है और उसी हिसाब से आपको चम्मच चलाना होगा उसमें। तो इसके साथ ही हमने इसमें नमक ऐड कर देना है। नमक ऐड करने के बाद ध्यान रखें कि हमने गोश्त को गलाते वक्त भी नमक ऐड किया था, तो चक्कर ऐड करें। इसके साथ ही 1 मीडियम साइज़ के नींबू का रस ऐड कर दें इसमें। और अब हम इसमें 1/2 लीटर दूध ऐड कर देंगे। इसे स्किप ना करें, ये ज़रूरी है इस पुलाव के लिए। तो इसके बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आँच को तेज़ कर दें और इसे आप ढक दें। अब हमें इसे चावल के पानी सूखने तक तेज़ आँच पर पकाना है, तो बीच बीच में चम्मच चलाते रहें ताकि चावल पतीली में चिपके नहीं। इसी तरह आप बीच बीच में चम्मच चलाते रहें। अब जो है चावलों का पानी सूखने लगा है, तो हम इसे हल्के हाथों से अब चम्मच चलाएंगे इसमें। और जब चावलों का पानी सूख जाए तो इसमें 1/2 टेबलस्पून आपको केवड़ा वाटर ऐड करना है। अगर आपके पास केवड़ा वाटर नहीं है तो आप 6 से 8 बूंदे केवड़ा एसेंस की ऐड कर सकते हैं, मगर इसे इस वक्त मिक्स नहीं करें। इसे ऊपर से ऐड करने के बाद ढक दें और स्लो आंच पर 15 मिनट के लिए इसे रखें और इसके ऊपर कोई वजनी चीज़ रख दें। तो हमने जो कुकर इस्तेमाल किया था मटन गलाने के लिए, उसमें हमने पानी भर दिया है और उसे इस पर हम रख देंगे, तो इसकी वजह से जो ढक्कन है वो अच्छी तरह से पैक हो जाएगा। स्लो आंच पर 15 मिनट रखने के बाद जब आप ढक्कन हटाएंगे तो ये पुलाव तैयार हो चुका होगा और खुशबू भी अच्छी आ रही होगी इसमें से। आप इसे गर्मा गर्म सर्व करें सलाद के साथ, कचुम्बर के साथ। और जब भी आप इसे बनाएं तो हमें कमेंट करना ना भूलें। और जो नए देख रहे हैं वो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके साथ बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी शेयर करने वाले हैं, तो हमारी रेसिपीज़ को आप शेयर भी करें, लाइक भी करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ये सब फ्री है, दुआओं में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।